हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिराग और मैं लेके आ गया एक नया सा वीडियो, वो भी टेलीटेक यूट्यूब पे। तो आज के टाइम पे वाईफाई हमारी जान बन गई है, और अगर हमारे से ज्यादा वो इसे यूज करे ना तो आए हाय क्या होता है, बोल नहीं सकते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप अननोन पर्सन जिन्हें आप नहीं चाहते अपना वाईफाई अपना डेटा यूज करना, उन्हें किस तरह से आप ब्लॉक करेंगे और किस तरह से आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास टीपी लिंक का राउटर है, आपके घर में वाईफाई राउटर है, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर एक्सेस लेना होगा। मोस्ट ऑफ द टीपी लिंक के राउटर्स जो होते हैं उनकी आईपी आती है 192.168.0.1, 192.168.0.1। मेरे पास भी टीपी लिंक का ही राउटर है तो मैं आपको उसी में बता देता हूँ कि आप किस तरह से टीपी लिंक के राउटर के अंदर बंदों को कैप कर सकते हैं और खुद मजे मार सकते हैं, तो कोई और आपको पहचान नहीं सकेगा क्या हुआ। अगर कोई पूछ ले तो बोल देना अरे यार नेट बहुत धीरे। ओके, तो ये टीपी लिंक के राउटर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस, लैन, वायरलेस, सबकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपके लेफ्ट साइड में स्टेटस है, नेटवर्क है, वायरलेस है, डीएचसीपी, सबके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो अगर आपको ये देखना है कि आपके नेटवर्क से कौन कौन लोग कनेक्टेड है, तो आपको डीएचसीपी पे क्लिक करना है। डीएचसीपी पे जाने के बाद आपको डीएचसीपी क्लाइंट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लाइंट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूजर्स जो जो कि आपके वाईफाई से कनेक्टेड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंड्रॉइड करके जो लिखा वो मेरा फोन है, चिराग जो है वो मेरा लैपटॉप है, और ए ओके हाँ ये मेरे एक अंकल है जो हर बार आते हैं और बोलते हैं बेटा नेट धीरे चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने 2-3 बार पासवर्ड भी चेंज किए थे, बट ये फिर आ गए कि बेटा पासवर्ड चेंज कर दिया क्या। तो आपको सिखाने के साथ साथ मैं उन्हें भी कैप्टी कर देता हूँ। तो ठीक है, इन्हें एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे कि इनकी आई पी है 192.168.0.101, तो आपको इस आई पी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको बैंडविड्थ कंट्रोल जो आपकी लेफ्ट साइड में उस पर जाना है, और उसके बाद आपको सबसे पहले जो ये आपके बैंडविड्थ इनेबल कंट्रोल है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको बैंडविड्थ शो करनी है कि आप कितनी में। मैं 1000 रख लेता हूँ, मतलब एक मिनिमम मैक्सिमम है ये, इतनी ही रखनी है आपको। 1000 मैंने रख ली और सेव कर लिया। ओके, अब आप रूल लिस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है जिसकी आईपी है, जिसका डिवाइस पे आपको डेटा कम भेजना है या उसको कैप करना है। तो यहाँ मैं कंट्रोल भी उन अंकल की आईपी डाल देता हूँ, ये उनकी आईपी मैंने यहाँ पे डाल दी। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी दोनों पे अप्लाई होगा। और यहाँ मैक्सिमम आपको उनको कितना डेटा देना है, तो मैं 16 और इधर 32 कर देता हूँ कि उनके यहाँ दिखे जरूर पर वो यूज कम कर पाए। ओके, एंड देन सेव कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास एक पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा या लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से लोगों की, किन किन की आईपी आपने कैप कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम और मिनिमम कितना बैंडविड्थ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही डेटा उन लोगों तक जा पाएगा, उसके आईपी को एक्सेस हो पाएगा। तो अब हम सीधा जाते हैं हमारे बैंडविड्थ कंट्रोल पे। यहाँ देखिए मैंने बैंडविड्थ कंट्रोल कर रखी है 1000 1000 मैंने अपने यहाँ डाल रखा है, तो मुझे तो पता चलेगा जब वो रात को आके यूज करेंगे। तो प्लीज आप ये अपने टीपी लिंक पर ट्राई करें, उन लोगों को साइड में कर दें जो आपका वाईफाई यूज करता है और खुद मजे लें। और प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूले, बिकॉज आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि वीडियो में आपको मजा आया और कुछ सीखने को मिला कि मिला। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।